हेलो वेलकम बैक टू एलजी वीलॉग्स। और आज के वीलॉग में हम कुछ एक्साइटिंग करने वाले हैं। हम सबको पता है बीइंग अ पाकिस्तानी चावल कितना इम्पोर्टेंट रोल रखता है हम सबकी लाइफ में। हमें गर्मियों में ख़ास तौर पर चावल बहुत अच्छे लगते हैं और चावलों की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। आज हम रिव्यू करने वाले हैं चावलों को, और वो चावल कौन से हैं और कहाँ से आए हैं ये भी मैं आपको अभी बताऊँगी। आज हम रिव्यू करेंगे क्या किशन ट्रेडिंग की तरफ से 3 किस्म के चावलों को, जो कि बहुत ही फाइनेस्ट क्वालिटी के हमें रिसीव हुए हैं। जो कि एक है हमारे पास स्टीम बासमती राइस, दूसरा भी हमारे पास स्पेशल बासमती है, थर्ड हमारे पास सेला राइस है। अब तीनों में डिफरेंसेस क्या है हम उसको डिस्कस करेंगे। स्टीम बासमती राइस क्या होता है, जो हम लोग अपने जापानीज चाइनीज क्यूजीन में यूज़ कर रहे होते हैं, स्टर फ्राइड राइस में यूज़ कर रहे होते हैं। अब वो डिफरेंट कैसे होता है, वो भी बासमती ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो छोटा ग्रेन होता है। देन द सेला, वी ऑल नो सेला बहुत से लोग बिरयानी में यूज करते हैं, बहुत से लोग उसको मीठे में यूज कर रहे होते हैं। देन यू हैव टू कम विद द बासमती राइस। अब बासमती हम लोग यूज करते हैं बिरयानी में, हम लोग यूज करते हैं दाल चावल के लिए, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज हम बना सकते हैं राइसेस के साथ साथ। लेकिन कुछ चावल ऐसे होते हैं जो कि बहुत लजीज होते हैं, और कुछ चावल ऐसे होते हैं जो हमें लगता है ओके एंड फाइन। आज हम रिव्यू करेंगे स्पेशली क्या किशन ट्रेडिंग की तरफ से इन 3 चावलों को, जो कि बहुत फाइनेस्ट क्वालिटी हेल्दी तरीके से बेसिकली वहाँ से क्रॉप होते हैं। और एज यूजुअल, एज मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था, ये लो फाइनेस्ट क्वालिटी की ग्रोसरीज आपके घर पे जो कि मसाला जात हैं, चावल दालें अचार चटनीज वगैरह को डोरस्टेप तक डिलीवर करते हैं रीजनेबल प्राइसेस पे। आज हम इन तीनों किस्म के चावलों को आपको दिखाएंगे कि वो तीनों चावल कैसे हैं, उनको सोक किस तरह से किया गया है, और हम इस चावलों का टेस्ट भी आपको बताएंगे किस तरह से है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो गाइस, ये है वो चावल जिन्हें हमने रिव्यू करना है, और इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो खुशबू चावल की है, जो कि स्टीम्ड बासमती राइस है। इसमें इंस्ट्रक्शन ये है कि 60 मिनट पहले हमने पानी में भिगोना है उस बनाने से पहले, लेकिन चावल तो पहले भिगोए जाते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 1 घंटा। देखिए उसके ग्रेन जो है थोड़े टूटे हुए थे। अगर हम देखते हैं दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास जिसे हमने 4 घंटे भिगोना है, और वो है सेला सोना चावल, जो मीठे के लिए बासमती और अपने बिरयानियों के लिए यूज़ कर। इसका देखें ग्रेन थोड़ा सा बड़ा है। थर्ड जो हमारे बारे में बताया गया है, इसकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो है 1/2 घंटा पहले हमने इस चावल को भिगोना है, और वो है नगीना चावल। नगीना इस बासमती चावल। अब तीनों की ग्रेन्स काफ़ी डिफरेंट हैं। नगीने का जो है वो नॉर्मल मीडियम साइज ग्रेन है, सेला के बहुत बड़ा ग्रेन है। अगर आप देखें गौर करेंगे, मैं आपको जिसे दिखाऊंगी आगे भी उस जो हम भिगोने के टाइम पे, और जो स्टीम बासमती राइस है उसके थोड़े से टूटे हुए हैं। सो गाइस, टाइम आ गया है कि अब हम इसको प्रोसेस पे लेके आए। सबसे पहले हम स्टीम राइस जो कि हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमने हाफ मेजरिंग कप में हीप ली, मतलब भर के रखा है। ये 1 kg का बैग है, 5 kg के बैग्स में भी सब अवेलेबल है। मैंने 1 kg में से ट्रायल पीसेस पे तीनों चावलों को निकाले हैं, और मैंने हीप्ड हाफ कप उठाया है। ये स्टीम राइस है, देखें इसका राइस देखने में किस तरह से है, ये थोड़ा सा टूटा हुआ है। तो अब हम आते हैं अपना सेकंड राइस की तरफ, जो हमने 4 घंटे के लिए भिगोना है, दैट इज़ सेला सोना। उसको भी मैंने हाफ कप भर के रखा है, निकाला है बेसिकली 1 kg बैग में से, और उसको भी मैं अभी डाल रही हूँ ताकि हम इसे भी सोक करेंगे। अब आप इसकी ग्रेन्स देखें, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्रेन है, और मुझे उसमें आपको थोड़ा सा टूटा हुआ फील आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा होगा। अब थर्ड जिसे हमने 1/2 घंटा करना, दैट इज़ नगीना राइस। उसको भी मैंने हाफ कप में भर के रखा है, 1 kg बैग्स में निकाल के, ताकि आपको दिखा सकूँ। अब हम वो भी बाउल में डाल के आपको दिखा रहे हैं कि ये भी आप 1/2 घंटा पहले भिगोएंगे, जब आपको बेसिकली बासमती दाल चावल वगैरह के लिए चाहिए होगा। अब इसके राइस देखो सेला की तरह ही है, लेकिन इसके राइस उससे थोड़े से कम है, और ये थोड़े से फाइन है, थोड़े से पतले से हैं। अब आपने सर देख रहे हो ये तीनों राइसेस की डिफ्रेंसीशन, जो पहले वाला का डिफ्रेंसीशन स्टीम था, सेकेंड वाला सेला है, ये थर्ड वाला, उसके कलर्स एंड टेक्स्चर्स भी देखें कितने डिफरेंट है। दैट इज़ बेसिकली अ बिट ऑफ वाइटिश, बट नॉट दैट वाइट, दिस इज बम्स ऑफ वाइट, और सेकेंड इज़ प्योर वाइट, दैट्स बासमती राइस। अब टाइम आ गया अपने बाउल में से हम इन सब में पानी भरें और उसको सोक कर लें एज पर डिस्क्रिप्शन। ये वाला जो है स्टीम राइस है, जो कि हमारा कम से कम कितनी देर के लिए जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर 1 घंटा। ये 4 घंटे का सीला चावल है जिसे हम भिगो रहे हैं। उसके बाद अब हम जा रहे हैं भिगोने के लिए, वो है बासमती राइस नगीना।
चलें अब चलते हैं, ये किस तरह से निकल के आते हैं और हाउ डज इट टेस्ट लाइक, विल गो ऑन दैट फॉर यू गाइस. सो बासमती राइस वेंट वेरी नाइस. सोक करने के बाद का टेक्सचर ये रहा. उसके बाद जब हमने कुक कर लिया तो इस तरह से ये हमारे सामने हो गया. इसकी क्वांटिटी डबल हो गई. एक एक ग्रेन जो था वो अलग अलग है, जबकि मैं राइस हमेशा ख़राब बनाती हूँ. ट्रस्ट मी, इट्स एन अमेजिंग. सो स्टीम बासमती राइस का रिव्यू आता है और इसको जब हमने एक घंटा सो किया, दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक. और जब बनने के बाद देखें कि ग्रेन अलग है, काफ़ी खिला हुआ है, बहुत टेस्टी था. तो मैंने इसलिए इसके चाइनीज़ चावल बना दिए, चाइनीज़ राइस बना दिया, फ्राइड राइस बना दिया. सोना सीला चावल हमने 4 घंटे भिगोया. दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक. टेक्सचर्स का काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ग्रेन्स हो गए, साथ ही साथ ये काफ़ी मोटा भी हो गया. बिफोर एंड आफ्टर में डिफरेंस आप देख सकते हो और पहले के डिफरेंस भी देख सकते हो. वी आर बैक नाउ. अब हमारा टाइम हो गया कि हम इसको टेस्ट करें और रिव्यू करें. हाउ डज इट टेस्ट लाइक, हम इसका रिव्यू करते हैं कि किस तरह से इनके चावल अच्छे हैं, नहीं है, कौन से राइस सबसे ज़्यादा अच्छे हैं और मुझे कौन से अच्छे लगे. तो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इनके सारे राइस बहुत ज़्यादा अच्छी और फाइनेस्ट क्वालिटी के थे, क्योंकि सबके साइजेस बहुत डबल जितने मैंने यूज़ किए उससे डबल से ज़्यादा हो गए. बिकॉज मैंने हाफ कप लिया था, इट वॉज एंड नाउ इट्स मोर देन 1 कप, लाइक इट्स लाइक 1.5 कप. बिकॉज से कहते हैं कि अगर आप 1 कप लेते हो रॉ तो उसका डबल होना चाहिए, तो इट्स लाइक मोर देन दैट. से आप देख सकते हो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है बासमती राइस जो सबसे पहले हमने लिया था और उसको हमने 30 मिनट्स भिगोया था. इस राइस की मज़े की बात अगर आप चेक करें तो ये देखें कितना ज़्यादा फाइन है और एक एक इसका जो दाना है वो अलग है. अब हम इसे टेस्ट करके बताते हैं. टेक्सचर वाइज दिखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, खिला हुआ है. और अब हम इसे टेस्ट करते हैं. गाइस दिस राइस इज रियली वेरी अमेजिंग. यकीन नहीं आ रहा मैंने बनाया. वजह ये कि मैं राइस कभी मुझसे अच्छे नहीं बनते और कभी भी खिले हुए नहीं बनते. दिस हैज़ अ वेरी फ्लेवरफुल फ्लेवर, अरोमेटिक फ्लेवर है इस बासमती का. और मैं इसे जो खा रही हूँ इतना हैवी नहीं दे रहा, ना ही ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा टच दे रहा है कि ये बहुत कुछ ज़्यादा ही मोटा राइस है. इट्स वेरी नाइस एंड इट्स वेरी स्वीट एज वेल. जैसे एक होता है ना मीठे पानी वाला कोई राइस वगैरह, तो मुझे काफ़ी स्वीट टच लगा, जबकि मैंने साथ कुछ भी मिक्स नहीं किया है सिवाय नमक के. तो आई प्रेफर टू हैव दिस थिंग विथ माय करीज. आई विल प्रेफर दिस टू हैव विथ माय दाल चावल एंड एवरीथिंग, क्योंकि इसके साथ अगर अचार और उनकी जो चटनी मैंने आपको बताई थी वो खाएं तो मज़ा ही आ जाएगा. बिकॉज दिस राइस इज रियली वेरी मच फ्लेवरफुल एंड वेरी मच एरोमेटिक एज वेल. जो मुझे एक एक दाना इसका फील हो रहा है वो बहुत ही अच्छा और फाइनेस्ट क्वालिटी लग रहा है कि हमने को एक्सपोर्ट क्वालिटी है और उनके रेट्स भी बहुत रीजनेबल है. तो इस हिसाब से तो मैं इसको कहूँगी बेस्ट है मेरे लिए. अब हम सेकेंड राइस की तरफ जाते हैं जो कि इनका है सेला राइस और जिसको हमने 4 घंटे भिगोया था. सो लेट्स गो फॉर दैट. राइस वी आर हेयर विद द सेला राइस. अब आप सेला राइस देखें किस तरह से हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है. बासमती की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ी थी. और ये सेला राइस होते हैं तो यकीनन ही मीठे में ज़्यादा यूज़ होते हैं. इनकी ग्रेन्स काफ़ी बड़ी होती हैं, ग्रेन्स काफ़ी मोटी होती हैं. अब इसको टेस्ट करके बताते हैं कि इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला हुआ है एंड हाउ डज इट टेस्ट लाइक. गाइस दिस इज वेरी वेरी गुड. बट ये करीज वगैरह के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगी, ना ही मैं इसे प्रेफर करूँगी टू हैव दिस बिरयानी. बहुत हैवी हो जाएगा, ये ग्रेन बहुत मोटा है और बहुत बड़ा है. तो दिस इज गोन अ गुड बी विथ एनी स्वीट काइंड ऑफ फ्लावर डिश, जैसे कि जर्दा है या मीठे चावल हैं, ताहिरी है, इस तरह के लिए. दैट बासमती वुड बी गो अमेजिंग विथ पुलाव एंड बिरयानीज. लेकिन हाँ, अगर जो लोग देगी बिरयानी खाते हैं बड़े ग्रेन्स और मोटे ग्रेन्स के साथ, उनके लिए बेस्ट है. एंड इट्स लाइक मोर वेरी हैवी राइस. बासमती वॉज लाइट, दिस इज वेरी हैवी. एंड मेरे हिसाब से, बिकॉज आई एम नॉट अ चावल फैन एज वेल मोर, तो मेरे हिसाब से दिस इज बेस्ट फॉर द मीठा. एंड द क्वालिटी इज वेरी गुड. क्वालिटी इनके चावलों में मुझे फील हुई है बनाते हुए, क्योंकि मैं चावलों में बहुत बढ़िया नाड़ी हूँ. और जब आप कोई चीज़ बनाते हो चावल की, तो अगर वो अच्छी बन जाती है, मतलब चावल की क्वालिटी अच्छी है, मेरा कमाल बिल्कुल भी नहीं है. So I prefer this to have this with meetha. So let's go with the third one, that is steamed basmati rice in the lightest
राइस एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो बहुत मज़े के थे, मुझे अच्छे लगे थे उस वक्त। और मैंने कहा था कि वाइट तो मैं दो ट्राई कर रही हूँ, एक को मैं फ्राइड राइस बना देती हूँ, तो सी हाउ डज द फ्राइड राइस गोज विद देम, कि वो स्टीम बासमती हैं, वो चाइनीज़ के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, तो लेट्स गो एंड टेस्ट देम। और इनके वो टूटे नहीं हैं बाय द वे, बल्कि मैं आपको दिखाऊंगी सबसे पहले उसको, तो लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। गाइस हियर आई एम विद द स्टीम बासमती राइस, जिसको मैंने स्टर फ्राइड राइस बनाया था, एंड आई होप दिस टर्न्स गुड, बिकॉज मैंने इसको टेस्ट नहीं किया, थोड़ा सा टेस्ट किया मुझे अच्छा लगा था, तो इसको मैंने ट्रायल के बेस पे मैंने कहा कि वो तो मैं वाइट खा रही हूँ, इसको स्टर फ्राइड बना देती हूँ। ऑलरेडी चाइनीज का मौसम था एंड आई रियली हैड दैट क्रेविंग टू हैव चाइनीज, सो वैसे वाइट वाले मैंने टेस्ट किए थे, दे वर वेरी गुड एंड लाइट वेट, जिसकी वजह से मैंने ये बनाया है। आपको रिव्यू करती हूँ, पर मैं खा लूँ फिर बताती हूँ। Guys, you can see this is one of the most lightest weight. जब कहते हैं बिल्कुल हल्का on stomach and you can munch on it. This is such a nice thing and such an aromatic and refreshing. जिसकी वजह से मैंने इसको बनाया, because I don't eat rice much. पहले मैं बहुत खाती थी, अब मैं rice ना नहीं खाती shop से. So जब मैंने ये वाला टेस्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लाइट वेट लगा, उस वक्त दूसरे मैंने टेस्ट नहीं किए हुए थे, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा कि मैं आपको रिव्यू करने से इतने साथ साथ इसको दिखाऊं भी सही, इसका ग्रेन नहीं टूटा। अगर आप इसके ये ग्रेन को चेक करो तो वो नहीं टूटा स्टर फ्राइड, जिस तरह से हम लोग चाइनीज खा रहे होते हैं। अगर आपको पता हो सही राइस का, तो वो टूट जाता है अगर हम स्टर फ्राई करते हैं, कि उसको बॉयल किया गया फिर स्टर फ्राइड बनाया गया तो टूटता, लेकिन नहीं टूटा, बहुत लाइट वेट है और ये बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत एरोमेटिक है। साथ ही साथ बासमती राइस, सॉरी बासमती, मुंह से निकला मेरा ब्लूपर्स, माफ़ी। सो दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट थिंग, आई लव दिस वन, दिस इज वेरी लाइट वेट, वेरी रिफ्रेशिंग, एरोमेटिक, एंड बासमती वॉज ऑल्सो वेरी नाइस, बट नॉट दैट लाइट वेट है, दिस इज लाइट वेट एंड लाइट ऑन योर टमी एज वेल। सो इफ यू कंसिडर कि मैं तीनों में से रिव्यू करूँ कि मेरा बेस्ट कौन सा, तो आई लव द स्टीम बासमती राइस, क्योंकि वो लाइट वेटेड है, स्टमक में मेरे लिए ईजी आहिस्ता वाला है, मतलब लाइट वेट है ना, तो वेट ज़्यादा गेन नहीं होगा। सो गाइज दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। फिर हम आते हैं बासमती पे, बासमती वॉज गुड, वेरी नाइस, फ्लेवरफुल, रिफ्रेशिंग, और साथ ही साथ हम करते हैं सेला चावल जो है बहुत अच्छा था, बट बहुत मोटा चावल है तो वो मीठे में अच्छा लगेगा, और जिनको देगी बिरयानी अच्छी लगती है मोटे चावल के साथ उसके लिए फिर वो बेस्ट है। तीनों चावल इनके बहुत अच्छे हैं, मैं रिकमेंड करती हूँ, लाइक आई 100% रिकमेंड दिस थिंग टू यू गाइस। लाइक एक चीज़ होती है ना कि लाइक आप बोल रहे होते हो बिकॉज समथिंग इज नॉट, बट दिस इज समथिंग रिकमेंडेबल टू ऑल ऑफ यू गाइस, इफ यू लुकिंग फॉर अ फाइनेस्ट क्वालिटी चावल जिसमें टेस्ट हो, एरोमेटिक हो, रिफ्रेशिंग हो, और आपकी क्यूजीन में एक नया टेस्ट देना हो, तो गो फॉर दिस ट्रैवल्स, दिस केकेशन ट्रेडिंग के चावल्स, आप उनको मैं आपको लिंक दे डाल दूंगी, ऑर्डर करें। रमजान आने वाला है, दावतें होंगी आप सब लोगों की तरफ, गो फॉर देम, ट्रस्ट मी, दे हैव एन अमेजिंग क्वालिटी। और मुझे सेनाड़ी ने जब इतने अच्छे चावल बना लिए तो मतलब समझ जाएं आप सारे के भाई ये अच्छी चीज़ बनी है और अच्छी चीज़ है, ठीक है, बिकॉज चावल मुझसे कभी बनते भी नहीं है इतने मज़े के, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और रिफ्रेशिंग भी है। एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस रिव्यू ऑफ दिस, विच इज़ मोस्टली रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ यू गाइज, विथ लाइक 100% श्योरिटी कि आप वोंट, यू गाइज वोंट बी रिग्रेटेड इफ़ यू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम देम चावल, खास तौर पे कि मैंने रिव्यू चावल इन तीनों के किए हैं, और आपको बता दिए उनका टेक्सचर कैसा है, उनका फ्लेवर कैसा है, एंड उनकी सारा कुछ कैसा है गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई वॉन्ट टू ड्रैग इट आउट मोर, इफ यू रियली लाइक दिस रिव्यू, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाया है और बताया है, दिखाया बताया सब कुछ है, सो लेट्स गो। जाते से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, एक थम्स अप तो बनता है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम अनदर व्लॉग।